नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। खबर जैसर से। जैसर क्षेत्र में बछड़े का मांस बेचते हुए दो अराउंड अप दो हुए फरार। खबर विस्तार से। जीव रक्षा बिश्नोई सभा द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए जैसर पुलिस ने गांव सरदारगढ़ में दो जनों को बछड़े का मांस बेचते हुए राउंड अप किया, वहीं दो अन्य फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मिली जानकारी गांव सरदारगढ़ में कुछ लोगों ने बछड़े का मांस काटकर गांव के लोगों को मांस बेच रहे थे, जिस पर थानाधिकारी मदन बिश्नोई मौके पर पहुंचे। आरोपियों के घर पर दबिश दी। दो आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने दो को राउंड अप कर लिया है। आरोपी मोहम्मद व रजाक को पुलिस थाना लेकर पहुंची, वहीं अन्य आरोपियों की जानकारी ली जा रही है। जीव रक्षा बिश्नोई सभा के सदस्यों ने पुलिस थाना में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए परिवाद किया है। तो जरिए टेलीफोन गौ रक्षा दल के सदस्यों से थाने पे सूचना मिली कि सतारगढ़ गांव में कुछ लोगों ने गोवंश बछड़े की हत्या करके उसके शरीर का मांस निकाल के और वो जो गौ मांस जो है उसको गांव में विक्रय कर रहे हैं। इस सूचना की तस्दीक हेतु थाने से मैं जाब्ते के रवाना होके गांव सरदारगढ़ पहुँचे। गांव सरदारगढ़ में मोहम्मद मुर्तजा उर्फ गुड्डू उसके घर के अंदर मांस बरामद हुआ। मौके पे वेटरनरी स्टाफ को बुलवाया जाकर मांस का सैंपल विस्तार वगैरह लिए गए हैं। अभी गौ रक्षा दल के सदस्यों द्वारा रिपोर्ट पेश की जा रही है, जिसपे मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई।